टाइम है छोटे भाई की बैंड बजाने का प्यारे वेयरवुल्फ के साथ। हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मामा। एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स, के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है, ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्व्स को पहचानना सिखाती है। तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल, ये देखो यहाँ लिखा है, अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं, अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली, तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल। वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झिंगा लाला जूस। हाँ, झिंगा लाला जूस, काली घाटी के झिंगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो, मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झिंगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी। पहले पैसे। ओह हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। ओह हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। वो तो लगेगा ही, अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झिंगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झिंगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत, चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो। पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा, क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? It's so easy being me, I'm hard-headed.
अच्छा हुआ आ गए तुम हेनरी। हे मॉम, क्या इस वक्त तुम कुछ खास करने जा रहे हो? फैंक को वॉक करने ले जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, फैंक को एक्सरसाइज जरूरी है ना। फैंक की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं समझ आ रही। मुझे लेकर? हाँ, तुम तो कभी टहलने नहीं जाते थे। सॉरी, मुझे जाना होगा। ओए पागल, ये उस घोंचू को दे देना। ध्यान से सड़ेली, मुझे लग जाता। तो वैसे ये है क्या? ये पेट शो का शेड्यूल है। ओ, उस कीड़े ने इस बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत जाएगा। उसे ऐसा लगता है? हाँ। और तुम तो वहाँ आने नहीं वाले हो, है ना? कोई सवाल, हम तो उस गली से गुजरेंगे भी नहीं, है ना फैंक? वैसे अगर तुम अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि सुपर पालतू का इनाम मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? मैं तो बस तुम्हें जानकारी दे रही थी हेनरी, अगर तुम अपना फैसला बदलो तो। हम नहीं बदलेंगे, आने वाले हजारों लाखों साल में नहीं बदलेंगे, चाहे तुम भीख मांग लो। चलो फैंग, हमारे पास सड़ेली से बात करने का वक्त नहीं। एक पेट शो में किसको जाना है ना? भैया वो बहुत ही पागल बंदी होगी, मतलब सभी जानवर एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करे। इतनी बेवकूफी। और पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? नहीं 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 फैंग, अब ये मत कहो तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होना है। अच्छा बताओ कितना देना पड़ेगा? क्या कितना देना पड़ेगा? मुझे ये बताने के लिए सुपर पालतू प्रतियोगिता फैंग ही जीते, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? ओह, क्या तुम उस सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जिसमें तुम हजारों सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे, चाहे मैं तुमसे भीख मांगूं? हाँ। मैंने तुम्हें सुना नहीं हेनरी, तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन के दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं? चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास जीरो कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो। ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है, है ना? माफ करना फैंग, इसमें लिखा है हर पेट को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। मैंने स्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है थैंक्स। हेयर ड्रायर, मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहाँ रखा है? स्नैप, जाओ पीटर, मैंने तुम्हें बच्चा समझकर ये पॉइंट दे दिया, खुश हो जाओ। ओह थैंक्स।
थैंक यू हेनरी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। सोने का वक्त हो गया। वाओ, हम आज जल्दी सो रहे हैं। हाँ हेनरी, सोने से पहले हॉट चॉकलेट पीना चाहोगे? ओ नहीं मम्मी, थैंक यू, मैं दांत ब्रश कर चुका हूँ। चलो हेनरी, अपने अपने रूम तक रेस लगा। हाँ, चलो। बदमाश। हाँ, वो आवाज तुमने सुनी हेनरी? तुम्हारी टेंट में कोई है हेनरी? सही कह रहे हो पीटर, सही पकड़ा। कौन हो सकता है? अभी जाकर पता लगाता हूँ। तुम कितने बहादुर हो हेनरी, मैं भी तुम्हारे साथ आता अगर मुझे डर नहीं लगता। चिंता मत करो मेरे छोटे से भाई, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हेलो, फ्लफी तुम थी? वाओ, असली वाले एलियंस। हाय, मैं हेनरी हूँ। आपका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ नाक साफ कर रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरे छोटे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। बोलो बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि आप समझ चुकी होंगी कि मुझे मेरे छोटे भाई की कितनी चिंता थी। अच्छा हेनरी, सच में चिंता थी तुम्हें अपने भाई की, या तुम बिजी हो गए थे दुनिया के सामने इंटरव्यू देने में? नहीं, मुझे तो बस पीटर के साथ बिताए सारे दिन याद आ रहे थे। तो हेनरी, मुझे बताओ इस सब का तुम्हारे होमवर्क से क्या मतलब है? पीटर, तुम ठीक तो हो ना? सब चुप हो जाओ, याद है ना हमने क्या तय किया था? अपना पार्टनर ढूंढो और लाइन में खड़े हो जाओ। अब डांस। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे डांसर्स हो। चलो
हेनरी, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना। ये तो अच्छी बात है अंकल, तुम्हें छोड़ने आते हैं। हाँ हाँ, पर आज तो मैं स्कूल तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं आना था हेनरी, पर मम्मी ने कहा अगर तुम स्कूल गए ना तो मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए ग्रॉस पिक योर बेस्ट फ्रेंड्स नोज गेम दूंगी। कूल, बड़ा मजा आएगा। एक मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम ही तो हो बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब है? तो लड़को, तुम दोनों यही रुक जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो स्कूल जा रहे हैं, और कहाँ? इस रास्ते से नहीं जा सकते। हैं? जाओ वहाँ से जाओ। पता है आज तुम्हें स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओ हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा, मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों? आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है और इसने स्कार्फ पहना है। इसने टोपी पहनी है और हाँ उसने भी। बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हमने पहने हैं, देखिए टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है। सुनो हेनरी, रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए, और हाँ गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो, तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला, असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। पर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर फोर है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो
जाओ विलियम, तुम क्यों रो रहे हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए।